दोस्तों आज मेरे बेटे ने डिमांड की थी कि मम्मी कुछ हेल्दी और टेस्टी बना दो, तो झटपट बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो मैंने नमकीन सेवई बना दी। जिसके लिए मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ली और इसमें डाला है सरसों का तेल। लगभग एक टेबलस्पून के करीब सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें डाली है एक चम्मच के करीब राई। आप राई या सरसों कोई भी ले सकते हैं। आधी चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया। दोनों चीजों को अच्छे से चटकने दीजिए। साथ ही हम इसमें 2 पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 कप के करीब कच्ची मूंगफली मैंने तेल में डाल दी है। फ्लेम को मैंने लो मीडियम कर दिया है और कच्ची मूंगफली के दाने इनको हम इस तरह से तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही आप चाहे तो इसमें थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं। सुबह का नाश्ता अगर एनर्जी से भरा हुआ हो, टेस्टी हो, हेल्दी हो, तो दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मूंगफली हमारी भून चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब चने की दाल हम ऐड कर देंगे। चने की दाल को भी हमें इसमें भूनना होगा। साथ ही हम इसमें 2 से 3 लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर गोल वाली मिर्च थी तो मैंने गोल वाली डाल दी। आप सादा जो सूखी लाल मिर्चें आती है वो भी डाल सकते हैं। अब दाल को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। लगभग 30 सेकेंड्स हम दाल को रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे काजू। तो काजू भी बहुत जल्दी भूनते हैं, तो मैंने 7 से 8 काजू को बीच में से अलग करके डाल दिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने घिसकर डाला है और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। तो हरी मिर्च थोड़ी सी आपको ज्यादा क्वांटिटी में ही ऐड करनी है, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसमें हरी मिर्च कम डाल सकते हैं। अच्छे से भून लीजिए। और इसके बाद में जाएगी इसमें प्याज, तो मैंने 1 प्याज को बारीक काट कर डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और गाजर। मेरे पास आज शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधी गाजर को मैंने घिस कर डाल दिया। 1/2 कप के करीब मैंने फ्रोजन मटर डाल दी और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें हमने काफी सारी सब्जियां डाली हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके फ्रिज में अवेलेबल हो, और जो अगर आपको नहीं पसंद है तो बिना सब्जियों के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जियां जब हमारी तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सेवई। तो मैंने यहाँ पर सेवई को पहले से उबाल कर रखा है। मैंने चावल की सेवई का यूज किया है। आप चाहें तो सूजी की सेवई या फिर आटे की सेवई, जो भी सेवई आप यूज करते हो, वर्मिसेली यूज करते हो, उसको उबाल कर आप ले सकते हैं। सेवई को उबालने का तरीका वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे। फिलहाल तो देखिए 2 कप के करीब मैंने यहाँ पर उबली हुई सेवई डाल दी है। चावल की सेवई है जो कि तासीर में ठंडी होती है। चावल जो है गर्मियों में हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि चावल जो होता है ना तासीर में ठंडा होता है, हमारे पेट को ठंडा रखता है। और ये नाश्ता अगर सुबह आप खा लेंगे, बच्चों को देंगे, तो आपके बच्चों का जो टमी है वो अच्छे से फुल भी रहेगी, साथ ही पेट ठंडा रहेगा तो उनको जल्दी लू नहीं लगेगी। इसमें मैंने खूब सारे करी पत्ते डाल दिए, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। साथ ही इसमें जाएगा खटास के लिए नींबू का रस, तो 1 नींबू पूरा निचोड़ कर डाल दें। आप चाहे तो इस रेसिपी को ना बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर लंच में, डिनर में कभी भी सर्व कर सकते हैं। अपने आप में एक कंप्लीट मील है, क्योंकि आपने देखा हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है, इसमें हमने चावल की सेवई का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए इसमें डाल दी मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालनी होती है हमें इसमें, और अच्छे से बस अब हमें टॉस करना है। तो फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम और अच्छे से इसको टॉस कर लीजिए, ताकि हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स होकर सेवई पर मिक्स हो जाए। तो बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। सिर्फ आपको पहले से सेवई को उबाल कर रखना होता है। यहाँ पर देखिए अब इसमें ऐड करेंगे घिसा हुआ नारियल। हरा नारियल मैंने लिया है, पानी वाला नारियल जिसको घिसकर रखा था। तो ये भी बहुत फायदा करता है, गर्मियों के सीजन में हमें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को राइस वर्मिसेली भी बोल सकते हैं, जो मैंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और यहाँ पर देखिए ये हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिए लो फ्लेम पर, और इसके बाद में तुरंत ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो सर्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खाएं, या फिर ग्रीन चटनी के साथ खाएं, कोकोनट चटनी के साथ ये और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को घर में बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए, लंच में, डिनर में कभी भी इसको सर्व कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ सेवई उबालने का तरीका, जिसके लिए कोई भी भगोना ले लें और उसमें डालें 1 से 1.5 लीटर पानी। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए। पानी जब उबलने लगेगा इसके बाद में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और जाएगा थोड़ा सा तेल। तो लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हम सेवई इसमें ऐड करेंगे ना वो बिल्कुल भी आपस में चिपके ना। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दीजिएगा।
ताकि हमारी जो सेवई है अंदर से बिल्कुल भी फीकी फीकी ना लगे। एक बार मिक्स कर लीजिए और तुरंत से हम इसमें सेवई डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस रेसिपी में मैं चावल की सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मार्केट में जो भी आपको सेवई मिल जाती है वो आप ले लें, और अगर आप सूजी की सेवई ले रहे हैं, आप आटे की सेवई ले रहे हैं, जो भी आप नॉर्मल सेवई ले रहे हैं जो मार्केट में मिलती है, तो आप उसको थोड़ा सा तेल में या घी में भून लीजिएगा 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर, और उसके बाद में सेम तरीके से आपको इसको भी उबालना होता है। लेकिन चावल की जो सेवई होती है ना उसको हमें भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए अब इसमें मैंने लगभग 2 कप के करीब यहाँ पर डाल दिए चावल की सेवई। अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगभग 3 मिनट तक हम इस सेवई को पकाएंगे। 3 मिनट के बाद में गैस को तुरंत ऑफ करना है और इस सेवई को हमें छान लेना है और तुरंत ही हमें इस पर ठंडा पानी डाल देना है। नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं या फिर इस पर ठंडा पानी डाल दें ताकि जो कैरी ओवर कुकिंग है ना उसको आप थोड़ा सा सीज कर सके, स्टॉप कर सके। तो बहुत जल्दी ये सेवई हमारी उबलकर तैयार होती है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप इस पर डाल दीजिएगा ठंडा पानी ताकि जो सेवई है ये और ज्यादा ना पके, और उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा ना अलग करके रख दीजिएगा, जैसे कि किसी थाली वगैरह में फैला दीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी खिल जाती है, एकदम अलग अलग हो जाती है। तो ये था सेवई उबालने का तरीका, आपने देख लिया है। आप भी अपने घर में इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। तो सेवई हमारी उबल चुकी है, इसको इसी तरीके से थोड़ा सा पानी इसका निकल जाए इसके लिए इसको इसी तरह से छलनी में थोड़ी देर पड़ा रहने दें, और उसके बाद में आप देखिएगा थोड़ी देर में आपकी सेवई बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग हो जाएगी। तो उबालने का तरीका भी आपने देख लिया है, बनाने का तरीका भी आपने देख लिया है, बस इसको घर में आप बनाइएगा। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए, तो मैंने उबालने का तरीका आपको लास्ट में दिखाया है और बनाया रेसिपी को पहले है। तो कैसा लगा आपको मेरा तरीका ये भी लिखकर बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप को मुझसे कौन सी नई रेसिपी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूं ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ। बाय बाय।